ये नंदगांव की एक सीमा है, जबकि अक्रूर को भेजा कंस ने, तो जब यहाँ आए तो चरण चिन्ह देखे, चारों तरफ उनके चरण चिन्ह, विशेष करके यहाँ पर ये देखा तो एकदम हृदय में आनंद छा गया, आंख से आंसू आने लगे और एकदम रुक गए, अपने छाती के नीचे चरण चिन्ह को रख दिया और बड़ी से यही से स्तौन स्तुति इनकी करने लगे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मैं इस स्थान में आया। जिन चरण कमलों को होने से ये गंगा निकली है, इतनी पवित्र ये चरणों के प्रताप से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि और शंकर जी प्रलय इत्यादि कार्य करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म है और मेरे भतीजे बने हुए हैं। अच्छा चले तो वहां हमको वो पहचाने थे वो नहीं, हमको चाचा का भी एक बार भी पुकारा तो हम समझे कि हमारे जीवन धन्य। बहुत तरह की स्तौ स्तुति करने लगे, ये उनके शरणागत भक्त में से थे। फिर गए नंद के यहाँ, शाम हो गई थी, वहां पर पहुंच करके घर में गए, नंद बाबा से भेंट हुई, कृष्ण बलराम जी इनके आए, इनको प्रणाम किया, चाचा जी कहने लगे, दोनों बच्चों को उन्होंने अपने अखबार में भर दिया और तरह तरह के स्थल स्तुति उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा जी देखो तुम लोग वसुदेव जी के लड़के हो, आप तो ये तो भगवान है किसी के लड़के नहीं, तभी वसुदेव जी के लड़के हो, देवकी के पुत्र हो, बचपन में ही तुम्हारे पिताजी वहां रख गए थे गोकुल में, अब लोग तुम बड़े हो गए, तुम्हारे लिए ही देवकी और वसुदेव कभी जंजीर में बंद करके जेलखाने में रखा है, रोज गाली गलौज करता है, पैर से ठोकर मारता है और अपमान करता है, ये तुम लोगों के लिए बड़ी भारी लज्जा की बात है कि तुम्हारे पिता होने से और तुम्हारे लिए उनको इतना कष्ट देते हैं और तुम लोग अब बड़े हो गए, अब तो जरूर इनकी रक्षा करनी चाहिए। रात भर इनको पाठ पढ़ाते रहे, विशेष करके बलदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया, अच्छा तो दुष्ट असुर को हम लोग मारेंगे, मालूम होता है कि उसका काल आ गया, जब काल आता है तो एक सर्प को लेकर के गले में आदमी लपेट लेता है और उसको काट डालता है, ऐसे ही इसका काल आ गया है, हम जरूर चलेंगे। फिर नंद बाबा के पास में आए, बोले वसुदेव जी आपके भाई हैं और उनके लड़के हैं, आप इनको जाने दीजिए, कल रंगशाला में बुलाया है और कृष्ण बलदेव जरूर उसका वध कर डालें, आप उसको जाने दीजिए। ब्रज के लोगों ने जब दूसरे दिन सवेरा हुआ, ब्रजवासियों ने सुना तो बड़े रोने धोने लग गए, यशोदा नंद को गाली देने लग गए, ये अक्रूर आया, अक्रूर नहीं है ये क्या है, क्रूर है जो कृष्ण और बलदेव को यहाँ से ले जाने के लिए आया है और झूठ बोलता है कि ये देखिए वसुदेव के लड़के हैं कृष्ण। इसके बाद में सब लोग आकर के यशोदा जी से उल्हाना दिया, यशोदा जी ने खाट के अंदर में कृष्ण को छिपा लिया, किसी तरह से आने नहीं देंगे। नंद बाबा ने कहा जी मेरी शपथ है मैं इनको ले जाऊंगा और साथ ही ले आऊंगा, यदि नहीं आया तो मैं भी घर नहीं लौटूंगा, मैं जरूर उनको लेकर के आऊंगा, तरह तरह की शपथ खाई, और नहीं तो कंस इस पुरी को उजाड़ देगा नंदगांव को, इसलिए तुम किसी प्रकार से जाने दो और कल नहीं तो परसों जरूर हम लेकर के चले आए। कृष्ण जब रथ पर जाने के लिए तैयार हो गए तो अब जितने ब्रजवासी लोग थे सभी लोग हाहाकार करने लगे और गोपियां तरथ के सामने गिर पड़ी, सत्याग्रह कर दिया किसी प्रकार से नहीं जाने देंगे। उस समय में कृष्ण रथ से उतर करके गोपियों से मिले, उनको सांत्वना दी, कल नहीं तो परसों जरूर मैं आऊंगा, इसलिए परसों नाम हो गया उस गांव का जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं परसों जरूर आऊंगा, सी परसों उसका नाम है। इसके बाद में उनको सांत्वना देकर, किंतु उनको सांत्वना नहीं हुआ, मूर्छित स्थिति में उनको छोड़ करके
और अक्रूर ने रथ हांक दिया और मथुरा की तरफ में चले। तब से गोपियां घर में नहीं गईं, रसोई नहीं बनी, तरह तरह की दृह की बातें हुई। फिर हम लोग परसों आएंगे तो फिर वहां पर उद्धव क्यारी में इस सब की बातें हम लोग बतलाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से पांच सरोवर जाएंगे, जहाँ पर की नंद बाबा, यशोदा जी, ब्रजवासी लोग स्नान करते थे, कृष्ण भी सखाओं के साथ में स्नान करते थे, गायों को पानी पिलाते थे, बछड़ों को पानी पिलाते थे। ये सब स्थान दर्शन करके हम लोग आज सीधे चले जाएंगे कोकिल वन, जहाँ पर कृष्ण कोकिल बन करके कुहू कुहू करते थे और गोपियां सब वहां से मिलती थी। वहां से हम जाएंगे कहाँ, तुम्हारी ससुराल रही, वहां पर हम जाएंगे वहां से बहुत दूर और पैदल का रास्ता वहां से फिर जाना एक मील दो मील और आना, तब तक शाम हो जाएगी। इसके बाद में जाएंगे वहां पर जावट में, जावट जिस बट के नीचे उनका राधा जी का राजभवन था, राजमहल था, वहां पर जाएंगे उनकी ससुर बड़ी और वहां से फिर आज मथुरा में चले जाएंगे। परसों हम लोग आएंगे तो सीधा एक बार नंद बाबा के ऊपर में जाएंगे, कमलामलापति का फिर दर्शन लेंगे और वो लोग चावट और कोकिलवन का दर्शन उन लोगों का नहीं, इसलिए आज हम लोग उसको कर लेंगे और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता होगा, फिर उस दिन नहीं होगा, इसलिए ये सब दर्शन करके और फिर हम लोग मथुरा। बोलो गौर प्रमाण। Is Krishna's lotus, please?